गुड मॉर्निंग, वेलकम टू देवत गेट ए सी। अभी तक हमने पार्ट वन में 10 क्वेश्चन किए जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और रैंक से रिलेटेड थे। अब कुछ क्वेश्चन आपको आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर से भी रिलेटेड मिलेंगे, इसलिए मैंने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर का वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे दे दिया है। उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझने में आसानी होगी, ठीक है। पार्ट टू हम करेंगे लीनियर अलजेब्रा का, इसमें भी हम 10 क्वेश्चंस का कम्बिनेशन रखेंगे। तो ध्यान से समझना कि अगर आप पर डे स्टडी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप सिलेबस में पीछे हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखना कि पर डे स्टडी करो, या पर डे एक दिन का, एक घंटे का ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने जाता है, और उस एक घंटे को आपको 5-6 घंटे में कन्वर्ट करना है, इंक्लूडिंग प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस सिलेबस, प्रीवियस टॉपिक्स को लेकर के भी, ठीक है। तभी आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे और तभी अच्छे से रिजल्ट कन्वर्ट हो पाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है और अभी तक लीनियर अलजेब्रा का 11th क्वेश्चन है। देखो, जो मैंने PDF प्रोवाइड किया हुआ है उसमें एक दो क्वेश्चन मैं स्किप भी कर दिया हूँ। वो कारण ये है कि वो इस सिलेबस से नहीं था और उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है, तो आपको उसी हिसाब से देख के करना है। ये शायद ये यहाँ पे 11th क्वेश्चन है और वहाँ पे शायद PDF में आपके 13th क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझना क्या है। कह रहे हैं द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। मैंने कल बताया था आपको कि लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए, मान लो ये मैट्रिक्स ए है। ए इज इक्वल टू क्या है, 2 1 0 2। ये मैट्रिक्स है आपके सामने। मैंने क्या बताया था कि अगर आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेक्टर्स निकालने हैं, जो भी निकालने हैं, आपको क्या करना होगा, इसकी सबसे पहले इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकालनी होंगी। भाई आइगन वैल्यूज़ अगर या तो मान लो डिफरेंट होंगी, जैसे 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो भाई इसमें दो ही आइगन वैल्यू होगी, λ1 या λ2। मैं इमेजिन करता हूँ कि मान लो एक वैल्यू 1 होगी, एक वैल्यू 2 होगी, तो इसके जो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। जब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज निकल रही हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो उसकी जो आइगन वेक्टर होंगे वो 2 आइगन वेक्टर होंगे। क्लियर है, क्या था स्टेटमेंट, क्या था कि n × n ऑर्डर का अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसकी n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो उसमें जो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, n होंगे। तो भाई 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर लीनियरली स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 का, इसकी मान लो, मैंने अभी बताया नहीं एग्जैक्टली कि इसकी आइगन वैल्यूज यही हैं, मैंने कह रहा हूँ कि मान लो इसकी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होती, 1 और 2 अलग अलग होती, तो इसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होते वो क्या होते, 2 होते, और आपका ऑप्शन सी सही हो जाता, ठीक है। लेकिन अब इसको चेक करने के लिए आपको आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी इस मैट्रिक्स के। तो जरा मुझे बताओ कि इसमें आइगन वैल्यूज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इस मैट्रिक्स में a − λI अप्लाई करके इसका डिटर्मिनेंट 0 कर देना। क्लियर है, यहां से एक तरीका है। लेकिन उसके बाद भी मैंने एक शॉर्ट नोट्स बताया था, वो क्या बताया था कि अगर आपके पास, ध्यान से समझना, ये जो गेट में क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ये कभी आपसे लेबर वर्क नहीं कराते, ये आपसे स्मार्ट वर्क कराने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट वर्क क्या है कि मैंने एक रूल बताया था कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ध्यान से समझो, अगर आपके पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर होगा, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वही डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट्स ही उसके क्या होंगे, आइगन वैल्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे मुझे बताओ कि ये a − λI अप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, λ1 = 2 और λ2 = 2। इसका मतलब λ1 = λ2 = 2। अब देखो ध्यान से कि भाई आपकी जो आइगन वैल्यूज थी दोनों सेम है। अब जब सेम है तो यहां पे आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स 2 भी हो सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं। मैंने बताया था अगर डिस्टिंक्ट होती तो 2 होते, आप 2 ऑप्शन सही कर देते, लेकिन अब यहाँ पे 2 ऑप्शन भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। इसके आइगन वैल्यूज क्या आ गई,
टू आ गई, लेमडा वन और लेमडा टू इक्वल है। अब मैंने बताया था कि अगर इक्वल ये आइगन वैल्यूज हो तो उसको उसकी जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स निकालने का तरीका क्या है, एन माइनस आर। एन का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और आर क्या है, आर ये है इसकी रैंक। ये जो अगर आप इसकी ये मैट्रिक्स निकालते हैं ना ए माइनस लेमडा आई, तो इसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी, आर होगी। तो ये आपको क्या दे देगा, ये दे देगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो मुझे बताओ कि नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 2 है, तो n जो है वो तो 2 हो गया, लेकिन a माइनस लेमडा आई आपको निकालना पड़ेगा। a माइनस लेमडा आई निकालने के लिए a मैट्रिक्स आपके पास है। अब मुझे बताओ कि लेमडा आई कैसे निकालोगे, a माइनस लेमडा आई, लेमडा इज इक्वल टू 2 है तो 2 माइनस 2 1 0 2 माइनस 2, क्लियर है। ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मैट्रिक्स, 0 1 0 0। मुझे बताओ इसकी रैंक कितनी होगी, आपको पता है इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए, इसकी रैंक होनी चाहिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, एक ही है, क्योंकि आर टू क्या है, आर टू जीरो है, तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 1। अब क्या करोगे आप, 2 माइनस 1 कर दो, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये जो 1 आया ये क्या आया, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स अगर आपकी आइगन वैल्यू सेम है तो उस केस में इस फॉर्मूले के द्वारा निकाला जा सकता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो ठीक है, ये बहुत स्मार्ट तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा लेबर वर्क नहीं कराते, 2007 में पूछा गया था 1 मार्क्स का, और ऐसे पैटर्न पे आज भी आता है। 7 और 2020 में कितना फर्क है, लेकिन आज भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 12th क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि द मैट्रिक्स हैज 1 आइगन वैल्यू इज इक्वल टू 3। इस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू इन्होंने 3 दिया हुआ है। कह रहे हैं द सम ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यू इज, अदर 2 आइगन वैल्यूज का सम कितना होगा। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 2008 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, यहां पे आप क्या करेंगे, क्या करेंगे कि सारी आइगन वैल्यूज निकालेंगे और उसका सम करेंगे, उसके बाद 3 मल्टी उसमें ऐड करके, तो आप ऑप्शन निकालेंगे, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी या डी। ठीक है, ए बी सी या डी में से कोई सही होगा आपके पास। तो मुझे बताओ कि स्मार्ट तरीका यह है कि एक एक आइगन वैल्यूज नहीं निकालनी है, आपको वो प्रॉपर्टीज ढंग से समझनी है जो मैंने पहले बताई थी। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि भाई किसी भी मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज का सम होता है वो क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये मैंने बताया था, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था कि जो मैट्रिक्स आपके पास दी हुई है वो कोई भी मैट्रिक्स हो, सबसे पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये तो तय है, क्योंकि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टर्म में बात करेंगे। दूसरी चीज ये है कि ये जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है ये डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन होता है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मुझे बता दो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि 1 + 0 + p, यही है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और सम ऑफ आइगन वैल्यूज मतलब 3 × 3 मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली इसमें 3 आइगन वैल्यूज होंगी, पहला लेमडा 1 मान लो, लेमडा 2 मान लो, तीसरा लेमडा 3 मान लो। भाई आपको आइगन वैल्यूज तो पता नहीं है, लेकिन उनमें से एक आइगन वैल्यूज इन्होंने दे रखी है, वो कह रहे हैं 3 है। मान लो कि लेमडा 1 इन्होंने 3 दे दिया है, कोई भी ले सकते हो यहाँ पे 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, द सम ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यूज, तो मुझे बताओ कि सम ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यूज का जो सॉरी जो 2 आइगन वैल्यूज अदर हैं उनका सम कितना होगा। तो इनका सम क्या होगा कि भाई 1 + p हो गया, 1 + p हो गया, माइनस में 3 इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा 2 प्लस लेमडा 3। और यही तो पूछ रहा है अदर 2 वैल्यूज आइगन वैल्यूज का सम कितना होगा, तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा p - 2।
यही आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि इन्होंने यही पूछा हुआ है। तो देखो क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। वन मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत स्मार्ट तरीके से, अगर आपके पास प्रॉपर्टीज की नॉलेज है तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका फ्री का है। अगर नहीं है, जिस बच्चे को पता ही नहीं है प्रॉपर्टीज, वो बच्चा इसका आइगन वैल्यूज निकालेगा, उसके बाद जो भी करना होगा करेगा, वो फंस जाएगा, वो निकाल नहीं पाएगा। तो क्लियर है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान में रखना। 13th क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, ए की किस वैल्यू के लिए, इफ एनी, अगर कोई है, अगर ए की कोई वैल्यू है तो ए की किस वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इन एक्स वाई जेड हैव अ सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम आपको दिया गया है, फॉलोइंग सिस्टम का इक्वेशन जो दिया गया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया गया है, इनमें एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, अगर है कोई ए की वैल्यू तो। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि यहां से आपके पास तीन चीजें आती थी। क्या आती थी? या तो यूनिक सॉल्यूशन, या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन, या तो नो सॉल्यूशन। तो इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि हैव अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब नो सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन नहीं आएगा। और अब आपको यह पता है कि अब आपको या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। क्लियर है क्वेश्चन के हिसाब से। अब मुझे बताओ कि ये जो होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। सबसे पहली बात तो ये कि भाई ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। नॉन होमोजीनियस में क्या क्या होता था? नॉन होमोजीनियस, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि नॉन होमोजीनियस में कौन कौन से टर्म्स होते थे। पहला ये कि भाई ये क्या होता था? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और दूसरा क्या होता था? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होता था, और यहां पे क्या होता था? नो सॉल्यूशन। तो भाई नो सॉल्यूशन का टर्म तो हमें पढ़ना ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया है, तो हमें इनकंसिस्टेंट पे ध्यान नहीं देना है। अब आते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम में। कंसिस्टेंट सिस्टम में क्या है कि एक यूनिक सॉल्यूशन था, एक यूनिक सॉल्यूशन था और एक इन्फिनाइट सॉल्यूशन था। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता था? यूनिक सॉल्यूशन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता था, और यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जीरो होता था। क्लियर है। अब यूनिक सॉल्यूशन में एक और कंडीशन होती थी। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी कि भाई रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू एन होता था, नंबर ऑफ ऑर्डर उस मैट्रिक्स का। क्लियर है। अब दूसरी चीज क्या होती थी यहां पे? यहां पे क्या होता था कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी तो होता था, लेकिन ये लेस देन एन होता था, तो ये क्या होता था? इनफिनाइट सॉल्यूशन होता था। क्लियर है। तो ये कुछ कंडीशंस थी। तो आपके सामने कंडीशन क्या है? पहली बात तो नॉन होमोजीनियस, या तो यूनिक या तो इन्फिनाइट की बात कर रहे हैं हम। मुझे बताओ कि अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, वहां से कुछ चीजें आपको पता चल जाएंगी कि यूनिक सॉल्यूशन जा रहा है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन जाएगा। तो मुझे बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होने वाला है भाई? डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आप निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा 2, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं आपको, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा ये? नहीं, डायरेक्टली में गलत हो सकती हैं चीजें, एक एक टर्म्स आप लिख लो तो ज्यादा बेहतर है। 2, 3, 0, 1, 1, 1, 1, 2, -1, ये आपके पास मैट्रिक्स आया ए। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2, -1, -2, -3 क्या होगा? -1, -1, उसके बाद तो जीरो ही है, तो आगे का टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा? -6। यहाँ से क्या निकल के आएगा? +10 ना, 3, -3 आएगा, -3 × 2, -6, और यहाँ पे -2 आएगा, तो -2 × -3 क्या हो जाएगा? 6, ये भी हो जाएगा 6, सॉरी ये 6 हो जाएगा,
प्लस सिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो का मतलब हुआ कि इन्फेनाइट सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इन्फेनाइट सोल्यूशन में क्या कंडीशन थी कि भाई रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होता है लेकिन ये लेस देन एन होगा, तो ये कंडीशन आपको फाइनली लानी है इस क्वेश्चन में। देखो 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन है, आज भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बताया, एक एक स्टेप में बताता जा रहा हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, नो सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। हमने चेक किया कि नॉन होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन कहां नहीं आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा और इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से आप ये चेक करेंगे कि यूनिक होगा कि इन्फिनाइट होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया, तो अब आपके पास क्या है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन का ऑप्शन है। इन्फिनाइट सॉल्यूशन से आपको बात पता चली कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी होता है लेकिन वो लेस देन एन होता है इसके ऑर्डर से। ठीक है, देखो अभी तक आपने क्या समझा, अभी तक आपने ये समझा कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो आ रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ रहा है तो इसका मतलब आपके पास क्या आएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा। और इन्फिनाइट सॉल्यूशन की केस क्या है कि रैंक ऑफ ए जब आप निकालेंगे तो वो रैंक ऑफ ए बी होनी चाहिए लेकिन वो लेस देन एन होना चाहिए, और एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे 3 है, 3×3 क्रॉस का मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो एन 3 है, तो इससे एक बात पता चली कि या तो आपकी रैंक 2 इज इक्वल टू 2 आएगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी है तो मतलब दोनों की रैंक बराबर आएगी लेकिन वो 3 से कम होनी चाहिए। अब 3 से कम रैंक क्या हो सकती है, या तो 2 आएगी या तो 1 आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, यहां से एक बात समझ में आनी चाहिए आपके कि यहां से एक आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई रैंक जो होगी या तो 2 आएगी या तो 1 आएगी, और अगर रैंक आपकी 2 या 1 नहीं आ रही है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अभी मैं जब इसकी रैंक, इसके ए बी की रैंक निकालूंगा तो ये टर्म मैं डिस्कस करूंगा, ये अपने दिमाग में रख लेना कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होगा लेकिन वो लेस देन एन होगा। क्लियर है, अब हम निकालते हैं कि रैंक क्या आएगी ए बी की, ए बी और ए की रैंक कितनी होगी। उसके लिए आप मैट्रिक्स सबसे पहले लिख लो कि 2, 3, 0, 1, 1, 1, 1, 2, -1, और ये जो बी रैंक है, सॉरी बी मैट्रिक्स है, क्या है, 4, 4, a। तो ये टोटल मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है ए बी मैट्रिक्स को। ए बी मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मैंने क्या बताया था, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, पहले इसको आपको 1 बनाना है, अगर 1 नहीं है तो, अगर है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 नहीं है, इसको आप डायरेक्टली समझ लीजिए कि 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में, R1 में। क्या था, रो इक्लॉन फॉर्म था ना, तो रो में ही चेंजेस करने हैं, तो R1 में मैंने एक स्टेप आगे बता दिया आपको कि आप ऐसे लिख सकते हो R1 इज सच दैट R1 × 1/2, इसको आपको 1 बनाना है। क्लियर है, मैंने इसको डायरेक्टली बता दिया है। 1 बनाओगे तो आपके पास मैट्रिक्स यहाँ से निकल के जो आएगी वो आएगी 1, 1, 1, 3/2, 0, 4/2 = 2, ठीक है, 1, 2, 1, -1, 4, a, ये मैट्रिक्स आएगी। अब मैंने क्या बताया था कि भाई आपको ये 1 मिल गया, इसके नीचे का आपको 0 बनाना है। इसके नीचे का 0 कैसे बनाएंगे, R2 में क्या करेंगे, R1 की ही हेल्प से बनाना है, R2 - R1 कर देना है, और R3 में क्या कर देना है, R3 - R1 कर देना है, तब जाके 0 बनेगा। तो ये मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी भाई, R2, पहली बात तो ये 1, 0, 0 हो जाएगा, दूसरा ये कि R1 में कोई चेंजेस नहीं है तो R1 को एज इट इज वैसे लिख दो। R2 में क्या करना है, 1 - 3/2 कर देना है आपको, 1 - 3/2, तो क्या हो जाएगा ये, -1/2, ये -1/2 आ जाएगा, और इसको 1 - 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 - 0, 4 - 2, 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 - 3/2 क्या हो जाएगा, 2 - 3/2 क्या होता है, 1/2 होता है, -1 - 0 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और a - 2 क्या हो जाएगा, a - 2 हो जाएगा। तो आपका पहला पर्पज सॉल्व हो गया। दूसरा क्या करना है, आपको इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, -2 कर देना है पूरी रोज में, -2,
क्लियर है। इसके बाद आपके पास मैट्रिक्स क्या निकल के आ गया, पहली बात तो R1 में कोई चेंजेस नहीं है तो R1 को एज इट इज लिख दो, R3 में भी कोई चेंजेस नहीं है तो R3 को भी एज इट इज लिख लो, क्लियर है। R2 में क्या चेंजेस हैं, जीरो आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, इसको क्या करना है, टू इंटू माइनस टू, वन इंटू माइनस टू क्या है, माइनस टू आ जाएगा, टू इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस फोर आ जाएगा, क्लियर है। अब क्या करना है कि पहला पर्पज सॉल्व हो गया था, दूसरा वन बन गया, आप ऊपर नीचे का आपको जीरो बनाना है, ऊपर नीचे का जीरो किसकी हेल्प से, आर टू की हेल्प से बनाना है, ठीक है। आर टू की हेल्प से ऊपर नीचे आर वन और आर थ्री में जीरो बनाना है, तो कैसे करेंगे भाई, आर वन में क्या करना है, आर वन माइनस थ्री बाई टू आर टू कर देना है, थ्री बाई टू आर टू कर देना है, और आर थ्री में क्या करना है, आर थ्री माइनस वन बाई टू आर टू कर देना है, ये वन बाई टू है। आपके पास मैट्रिक्स क्या आएगी, पहली बात तो R2 में कोई चेंजेस नहीं है तो 0, 1, माइनस टू, यहाँ पे माइनस फोर हो जाएगा, क्लियर है। R1 में क्या करना है, R1 में 1, 0 ये तो होगा ही होगा, और क्या कर देना है, 3 बाई टू है, 3 बाई टू माइनस 3 बाई टू इंटू आर टू, वन मतलब 0, ये भी 0, क्लियर है। अब क्या करना है, यहाँ पे मेंबर क्या है, जीरो, जीरो माइनस थ्री बाई टू इंटू आर टू कितना है, माइनस टू, माइनस टू है तो क्या कर देंगे, टू इंटू टू हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस थ्री आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ पे हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या है कि ये टू है तो टू माइनस थ्री बाई टू, आर टू कितना है, माइनस फोर है, तो टू इंटू टू ये आ जाएगा टू माइनस सिक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू प्लस सिक्स हो जाएगा तो ये एट आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो आपने आर वन में चेंजेस कर लिया, अब आर थ्री में क्या चेंजेस करना है, आर थ्री में क्या करना है, माइनस वन माइनस वन बाई टू आर टू कर देना है, आर टू क्या है, माइनस टू है तो टू से टू कट जाएगा, माइनस माइनस वन प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्लियर है। वही काम इसमें करना है, ए माइनस टू आपके पास था, ए माइनस टू माइनस वन बाई टू इंटू आर टू कितना है, माइनस फोर है तो टू इंटू फोर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस टू प्लस टू हो जाएगा तो माइनस माइनस से कट जाएगा ये, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा, ए बचेगा। तो ध्यान से समझना, आपके पास जो फाइनल मैट्रिक्स आके बची है वो फाइनल मैट्रिक्स क्या बची है, ये फाइनल मैट्रिक्स क्या बची है, ये बची है, क्योंकि इससे ज्यादा अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अब ध्यान से समझो कि मुझे बताओ कि अगर मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूं, सिर्फ ए की बात कर रहा हूं, तो रैंक ऑफ ए कितना दिख रहा है यहाँ पे भाई, नॉन जीरो रोज कितनी है ए में, ए में कितनी है नॉन जीरो रोज, एक नीचे वाली तो जीरो रो है, तो नॉन जीरो रो टू है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टू है, क्लियर है। अब लेकिन रैंक ऑफ, अगर ए बी की मैं बात करूं, रैंक ऑफ ए बी की बात करूं, तो यहां पे अब ए पे डिपेंड कर रहा है, अगर ए की वैल्यू जीरो आ जाए तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू, क्योंकि ये पूरी जीरो रो हो जाएगी। लेकिन रैंक, अगर ए की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगी, इसकी रैंक जो हो जाएगी वो कुछ टू के बजाय थ्री हो जाएगी, समझ रहे हो। जब भी ए की वैल्यू अगर आप कोई रियल नंबर रख दो तो क्या हो जाएगी, रैंक इसकी थ्री आ जाएगी, इस रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, थ्री आ जाएगा। लेकिन शर्त आपकी क्या थी, शर्त आपको याद होगी, शर्त क्या थी कि आपको क्या करना है, इन्फिनेटिव सोल्यूशन बनाना है, और उस इन्फिनेटिव सोल्यूशन में रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी था, लेकिन क्या था, वो लेस देन एन था, तो लेस देन एन का मतलब कि थ्री से कम होना चाहिए था। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टू आया है तो भाई रैंक ऑफ ए बी भी टू होना चाहिए उस शर्त के हिसाब से। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होना चाहिए तो इसका मतलब कि अगर रैंक ऑफ ए एक्चुअल में टू आया है तो रैंक ऑफ ए बी भी टू आना चाहिए, और ये टू इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि ये थ्री से कम है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए बी जो होगा वो टू होगा, और टू होने के लिए ए की जो वैल्यू होगी वो जीरो होनी चाहिए। जब आपकी ए की वैल्यू जीरो होगी तभी आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी ये कंडीशन आपकी
सेटिस्फाई होगी। और यही कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी थी, मैंने पहले बताया था कि ये जो क्वेश्चन के हिसाब से कि भाई हैव अ सोल्यूशन, इसमें सोल्यूशन फाइंड करना है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम था। नॉन होमोजीनियस में सोल्यूशन कैसे आ सकते हैं, या तो इन्फिनाइट सोल्यूशन आ सकता है या तो यूनिक सोल्यूशन आ सकता है। अब उसमें क्या है कि उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, डिटर्मिनेंट बताता है कि यूनिक सोल्यूशन होगा कि इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो है तो वहां पे क्या होगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। नॉन होमोजीनियस की केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो वहां पे यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका जीरो आया था तो वहां से एक आइडिया लग गया कि आपके पास यूनिक सोल्यूशन होगा नॉन होमोजीनियस में। नॉन होमोजीनियस में यूनिक सोल्यूशन होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब यहां पे एन इज इक्वल टू थ्री है तो इसका मतलब मैंने बताया था कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी आएगा, और वो रैंक जो आएगी वो टू होगी या वन होगी। तो भाई रैंक ऑफ ए तो क्लियरली दिख रहा है कि टू है, तो रैंक ऑफ ए भी टू हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। अब रैंक ऑफ ए भी अगर टू करना है तो ए की वैल्यू इसने पूछा हुआ था। फाइनली इसने क्या पूछा हुआ था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, ए की किस वैल्यू के लिए अगर कोई है, इफ एनी, तो भाई ए की वैल्यू जीरो है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि ए की जीरो वैल्यू के लिए आपके पास एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। 2008 का क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट आज भी रिपीट किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स दी हुई है ये इसके आइगन वेक्टर्स आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस। चूंकि 2×2 क्रॉस की मैट्रिक्स है तो इसमें दो वेक्टर्स होंगे और दोनों वेक्टर क्या हैं, एक ये दूसरा ये। अच्छा, दो वेक्टर्स होंगे कि नहीं होंगे वो आप ऐसे नहीं बता सकते कि 2×2 की मैट्रिक्स है तो दो वेक्टर होंगे। दो वेक्टर समझने के लिए उसके आइगन वैल्यूज समझनी पड़ेगी कि इसके आइगन वैल्यूज क्या हैं। तो ध्यान से समझो, इसकी आइगन वैल्यूज क्या हैं, 1 और 2। क्यों क्यों हमने डायगोनल एलिमेंट्स को ही इसके आइगन वैल्यूज बोल दिया, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ध्यान से समझो तो ये क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और कौन सी ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जब अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाते हैं वही उसके आइगन वैल्यूज हो जाती हैं। यही स्मार्ट तरीका है समझने का, ये प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो आपको पता हो जाएंगी कि इसके आइगन वैल्यूज क्या है, नहीं तो आप निकालेंगे a माइनस लेमडा आई से निकालेंगे आप, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट जब आप जीरो कर देंगे तो यहां से भी वैल्यूज आ जाएंगी। ये इक्वेशन क्या कहलाती है, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो ठीक है, आपको पता चल गया कि लेमडा 1 इज इक्वल टू 1 और लेमडा 2 इज इक्वल टू 2, तो ये रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब इसमें जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, दो होंगे, ठीक है। और ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे क्योंकि ये आइगन वैल्यूज क्या हैं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। अब क्या करना है कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है, पहली बात तो ये कि अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है और उसके पूछ रहा है कि इसके वेक्टर्स क्या होंगे, इनको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होता है, ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स करके चेक कर लेना होता है ऑप्शंस को, और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, वो चाहे 2 मार्क्स क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि वहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन जब यहां पे वेक्टर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, ए माइनस लेमडा आई इस मैट्रिक्स को क्या करते हैं आप, एक्स से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ठीक है। अब ए माइनस लेमडा आई में पहली बात तो ये कि लेमडा 1 इज इक्वल टू पहली बार 1 ले लो, तो यहां पे वेक्टर क्या आएगा, ये जो ए माइनस लेमडा आई आएगा ये कितना आएगा, 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 1, यही आएगा। यहां से मैट्रिक्स क्या निकल के आएगा, 0 2 0 1, ठीक है। ये a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स आया, और x वेक्टर कोई भी वेक्टर, चाहे a वेक्टर चाहे b वेक्टर ले लो, इसको आप, ये वेक्टर ही तो है, वेक्टर को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं ले रहा हूं 1 और a वेक्टर, ये पहला वाला वेक्टर 1a है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहुंचना है a प्लस बी तक। a और b की वैल्यूज अगर आ गई तो हमें बता देना है कि a प्लस बी क्या होगा इन ऑप्शंस में से, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2a इज इक्वल टू 0,
और 0 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो यहां से पता चला ए इज इक्वल टू 0 है। इन दो इक्वेशन से आपको क्या निकल के आएगा, ए इज इक्वल टू 0। तो भाई ए प्लस बी में ए तो 0 हो गया आपका, अब बचा बी। अगर बी भी 0 होगा तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बी की वैल्यूज हम निकालते हैं, बी की वैल्यूज भी कुछ ऐसे ही निकालना है। कैसे निकालना है, इसमें क्या करना है, लेमडा इज इक्वल टू, अब 2 ले लेना है, अभी आपने 1 लिया था, अभी आपने क्या लिया था, लेमडा इज इक्वल टू 1, अब क्या करना है, लेमडा इज इक्वल टू 2 ले लेना है। तो लेमडा इज इक्वल टू 2 लेंगे तो 1 माइनस 2 करना पड़ेगा, ये 2 0, 2 माइनस 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेमडा होता है वो डायगनल एलिमेंट्स में ही इसको हम घटाते हैं। तो यहाँ से मैट्रिक्स जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, माइनस 1 2 0 2, सॉरी ये 0, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब a माइनस लेमडा आई को क्या करना है, अब दूसरे वाले वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन में लाना है, 1 और b में, ठीक है, इक्वल टू 0 कर देना है। मुझे बताओ यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ से क्या आएगी, 2b इज इक्वल टू 1 आएगा और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा वैल्यू, b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 बाई 2, जब आपने a माइनस लेमडा आई से दूसरा वैक्टर मल्टीप्लीकेशन में लाया। अब आपके पास a प्लस बी की वैल्यू उसने पूछा था, ए की वैल्यू 0 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, 1/2, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर होगा और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात समझ में आई, देखना पैटर्न हमेशा यही होता है, जब भी अगर कुछ ऐसा दिया हो तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, यही इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। देखो 15th क्वेश्चन है, फॉर अ मैट्रिक्स एम, एम इज इक्वल टू 3/5 एक्स, 4/5 3/5, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब कि एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम इनवर्स है। द वैल्यू ऑफ एक्स, कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, कोई और इन्फॉर्मेशन दी नहीं है इन्होंने, एक्स की सीधा सा वैल्यू पूछ लिया है 2009 में। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, पहली बात ये कि एक होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए अपने समझ लो कि जब भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम इनवर्स की बात करें, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इज इक्वल टू उसके इनवर्स की बात करें, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, जैसे यहाँ पे m की बात कर रहे हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस 1 होता है। दो इन्फॉर्मेशन हमेशा याद रखना। अब इस m ट्रांसपोज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m इनवर्स है तो 1/m हो जाएगा, और m को यहाँ से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो m ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी है। मैंने ये बताया तो आप इतना समझ सकते हैं, यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। अगर ऐसा भी लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या नाम, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि आपके पास मान लो 2-3 वेक्टर्स दिए हुए थे, वेक्टर्स का सेट दिया हुआ था, मान लो ये V1 वेक्टर का सेट था, ये V2 वेक्टर का सेट था, ये V3 वेक्टर का सेट था, सॉरी ये पूरा सेट है V वेक्टर का, तो V1 V2 V3 इसमें 3 वेक्टर हैं। अब क्या है कि अगर ये सेट कह रहे हैं कि ऑर्थोगोनल सेट है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का सेट है, तो इसका मतलब v1.v2 इज इक्वल टू 0 होगा, v2.v3 इज इक्वल टू 0 होगा, और v3.v1 इज इक्वल टू 0 होगा। बात समझ में आई, यहां से एक बात पता चली कि हर वेक्टर्स का अलग अलग वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, 0 होने का इन द सेंस कि v1 डायरेक्टली परपेंडिकुलर है v2 के, v2 परपेंडिकुलर है v3 के, और v3 परपेंडिकुलर है v1 के, ठीक है, तभी ये जाके डॉट प्रोडक्ट इसके 0 होंगे। तो ये चीज़ें समझ लेना कि अगर वो कह रहे हैं कि कोई सेट ऑर्थोगोनल सेट है, तो ऑर्थोगोनल सेट का मतलब होता है कि उनका सब प्रोडक्ट के साथ, सारे वेक्टर्स के साथ जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि ऑर्थो नॉर्मल सेट है, मान लो
यही जो वेक्टर दिया हुआ था v1 v2 v3 का, कह रहे हैं कि ये वेक्टर जो है v इज इक्वल टू, उन्होंने बोल दिया कि भाई v1 v2 v3 आपके पास तीन वेक्टर्स थे, ये कह रहे हैं कि ऑर्थोनॉर्मल सेट है। डिफरेंस समझना ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल है। अगर ऑर्थोनॉर्मल कह रहा है तो पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है क्या, v1 डॉट v2 इज इक्वल टू जीरो, v2 डॉट v3 इज इक्वल टू जीरो और v3 डॉट v1 इज इक्वल टू जीरो तो होगा ही। साथ साथ एक और कंडीशन होगी कि ये जो सारे वेक्टर्स होंगे इनके अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो ये 1 आएगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है एक साथ तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है, सॉरी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम इसी एप्लीकेशन को इसमें अप्लाई करते हैं अपने इस क्वेश्चन में। ये कह रहे हैं कि जो एम मैट्रिक्स है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। जब भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये समझ लेना कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, दोनों कॉलम वेक्टर हैं। ध्यान से समझना, जब भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो ये 2x2 क्रॉस की मैट्रिक्स है, 3x3 क्रॉस की मैट्रिक्स हो तो भी उसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे समझ लेना कि यहाँ पे दो वेक्टर हैं। पहला ये पहला कॉलम वेक्टर है, मान लो v1 इज इक्वल टू 3/5i प्लस एक्स जे, ये i ये j कॉलम वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। v2 है 4/5i प्लस 3/5j, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये जब भी कहे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ध्यान से समझना, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स अलग चीज़ है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अलग चीज़ है। जब भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो वहाँ पे एक बात समझ लेना कि वो मैट्रिक्स ऑर्थोनॉर्मल कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, तभी उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स सेटिस्फाई करने के लिए ये दो वेक्टर्स चाहिए, सारे वेक्टर्स चाहिए। अब वेक्टर्स क्या हैं, यहाँ पे मान लो v1 एक v का एक वेक्टर था और इसमें क्या है v1 और v2 दो वेक्टर्स हैं। अब ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, कॉलम वेक्टर्स होंगे। ध्यान से समझना, ये दोनों कॉलम वेक्टर्स होंगे। अब ये कॉलम वेक्टर्स हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहली कि v1 डॉट v2 जीरो होना चाहिए ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि v1 का जो ये मैग्नीट्यूड होगा और v2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, यूनिट होगा, 1 होगा। क्लियर है। अब इन्हीं दोनों कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन से आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला है और कह रहे हैं x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले v1 डॉट v2 निकाल लो, देखो क्या आता है। v1 डॉट v2 अगर हम करते हैं तो मुझे बताओ कि v1 डॉट v2 अगर हम जीरो के इक्वल करते हैं तो ये v1 था, ये v2 था, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 3/5 × 4/5 प्लस x का 3/5 के साथ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5 x इज इक्वल टू -12/25, ठीक है, 3x4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -4/5, x इज इक्वल टू -4/5 और आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि क्या ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सच में थी, तो आपने पहली कंडीशन तो अप्लाई कर ली लेकिन दूसरी कंडीशन आपने अप्लाई नहीं की। दूसरी कंडीशन में अगर आप चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, -4/5 आ गया। चेक करके मुझे बताओ कि v1 को जो मैग्नीट्यूड होगा क्या वो 1 आ रहा है। चेक करो, इसका मैग्नीट्यूड 1 आने के लिए 3/5 का होल स्क्वायर प्लस -4/5 का होल स्क्वायर ऐसे करना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। मुझे बताओ कि इसका कैसे निकलेगा, 9/25 प्लस 16/25 का अंडर रूट, 9/25 कॉमन हो जाएगा तो क्या आएगा, 25/25 इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है।
तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि अब ये इसका मतलब कि ये अगर आप इसको भी चेक करेंगे V1 का भी, तो V2 का भी ये मैग्नीट्यूड जो आएगा 1 आएगा। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स सच में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था, तभी आपके x इज इक्वल टू -4/5 वैल्यू आएगी। ठीक है, देखो 16th क्वेश्चन है, वन ऑफ द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज, मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है इनमें से कौन सा ऐसा वेक्टर है ऑप्शन में से जो इस मैट्रिक्स का वेक्टर है। यही क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको 14th क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हो और वेक्टर्स ऑप्शन में दिए हो, तब आपको ये नहीं चेक करना है कि देखो पहला तरीका क्या है। पहला तरीका तो ये है कि इस मैट्रिक्स को ए इज इक्वल टू 2, 2, 1, 3 को आप अप्लाई करो a माइनस लेमडा आई से और इसको जीरो कर दो, तो यहाँ से क्या निकल के आएंगी, आइगन वैल्यूज निकल के आएंगी। उस आइगन वैल्यूज से फिर आप एक एक इसमें डायगनल एलिमेंट्स में माइनस करेंगे, तो उसको वहाँ से आपको आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। ठीक है, पहला तरीका ये है, आप निकालना चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको समय बचाने के लिए, अगर समय बचाने के लिए दूसरी ट्रिक अपनानी है, तो शॉर्ट तरीका क्या है कि भाई ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स होता है ना, ये जो ए माइनस लेमडा आई आया था यहाँ पे, ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू जीरो से आया था, ए यहाँ पे एक्स आपने कॉमन ले लिया था, तो ए माइनस लेमडा आई हो गया था इज इक्वल टू जीरो, एक्स यहाँ पे जीरो हो गया था। जब आप वेक्टर निकालते हैं तो एक्स को वापस लेके आते हैं ये टर्म के साथ, ठीक है, तब आप वेक्टर कैलकुलेट कर पाते हैं। तो भाई फाइनली आपके पास क्या था, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स ही तो था, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स ही इसकी एक जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी वो यहीं से निकल के आई थी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि कुछ और नहीं करना है, ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास लेमडा एक्स आ जाएगा। अब उस x के साथ, कौन से x के साथ कैसे पता चलेगा, तो एक एक ऑप्शन चेक कर लो, पहले ऑप्शन से शुरुआत करो और सारे ऑप्शन को चेक कर लो। 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे है कि भाई मान लो a आपके पास क्या था, 2, 2, 1, 3, इसको क्या करो x के साथ मल्टीप्लाई करो। मान लो मैंने कह दिया कि ये वाला वेक्टर इस मैट्रिक्स का है, इसको चेक करना है कि ये है कि नहीं है, तो कैसे करोगे, 2 का 2 के साथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 4 - 2। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 2 - 3। यहाँ से क्या वेक्टर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 2 - 1 आया। क्या ये जो आपने मल्टीप्लिकेशन इसका किया, यहां से क्या निकल के आया, क्या ये जो एक्स का आपने मल्टीप्लिकेशन यहां पे किया था, यहां पे क्या ये वापस से आपको एक्स मिल गया? जी हाँ, 2 - 1 मिल गया, 2 - 1 मैंने मल्टीप्लाई किया था। इसका मतलब यहां पे जो लेमडा की वैल्यू होगी वो क्या आई होगी, ये वाली, और वो क्या आई होगी, 1 आई होगी। इसका मतलब यहां पे जो इस मैट्रिक्स में जो आइगन वैल्यू रही होगी वो 1 होगी और आइगन वेक्टर ये रहा होगा 2 - 1। देखो आपको पहले ही ऑप्शंस में मिल गया कि हमारा ये पहला ऑप्शन सही है और आपका फ्री में 2 नंबर मिल गया। बस आपको क्या करना था, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स करना था। जब ए को आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको एक्स मिलना चाहिए। अब मान लो 2 - 1 की जगह क्या आ जाता, मान लो 2 - 1 की जगह क्या आ जाता, 4 - 2 आ जाता, मान लो 4 - 2 आ जाता, तो भाई इसको 2 - यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 आ जाएगा ना, 2 कॉमन ले लोगे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आइगन वैल्यू है वो लेमडा की वैल्यू क्या है, वो 2 है और आइगन वेक्टर जो है x के बराबर ही है, इसका मतलब यही आइगन वेक्टर होगा। तो यहाँ से इस मल्टीप्लिकेशन से 2 चीज़ें निकल जाती हैं, पहला ये कि ये पता चल जाता है कि ये वेक्टर आइगन वेक्टर है, दूसरा ये पता चल जाता है कि यहाँ से जो कॉमन में निकल के आता है वो इसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। अगर आप चेक करना चाहें आइगन वैल्यूज, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 इसकी आइगन वैल्यू निकल के आई है ना,
मैं आपको इसको भी चेक करके दिखा देता हूँ कि क्या लेमडा इज इक्वल टू वन इसकी आइगन वैल्यू है। मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर मैं 2 माइनस लेमडा 2 1 3 माइनस लेमडा करूँगा तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा और माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब क्या है, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस माइनस लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या हो जाएगा, लेमडा अगर आप कॉमन ले लेते हो तो लेमडा माइनस 4 होगा, माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस 4 कॉमन हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आया, लेमडा माइनस 1 और लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो लेमडा इज लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 4, इसका मतलब 1 जो था 1 ये क्या था, इसकी आइगन वैल्यू थी, क्योंकि इसमें जो वेक्टर्स होंगे ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं 1 और 4 आई हैं, दो आइगन वैल्यूज़ हैं तो दो आइगन वेक्टर भी रहे होंगे। तो इसका मतलब जो अदर आइगन वैल्यू निकलेगी वो अदर आइगन वेक्टर के साथ निकलेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं थी। देखो 17th क्वेश्चन है, कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कह रहे हैं दिस सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा कि इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा या 5 सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो भाई 5 सोल्यूशन तो हमने सुना ही नहीं था, तो ऑप्शन डी पहले ही गलत हो जाएगा। आपके पास 3 ही ऑप्शन बचेंगे, ए बी और सी। मैंने कहा था 3 ही सोल्यूशन भी होते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आओ तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। ये इक्वल टू जीरो है तो ये होमोजीनियस होगा, और होमोजीनियस का अगर मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ 1 2 1 1 0 1 -1, जो टर्म नहीं दिया है उसका जो कोफिशियंट होगा वो क्या होगा, जीरो ले लेते हैं हम, ये मैंने पहले ही बताया हुआ था। तो आपके पास मैट्रिक्स ए आ गई, क्योंकि ये होमोजीनियस है तो बी की मैट्रिक्स की कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे। अब होमोजीनियस है तो भाई होमोजीनियस तो नो सोल्यूशन देता ही नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम जो होता है ऑलवेज कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। तो भाई यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत हो गया, मतलब अब आपके पास या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सा इसमें आपको रैंक निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें तो ही आपको पता चल जाएगा कि इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा या फिर यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालो, 0 + 1 - 1, 0 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 - 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 2, यहाँ पे आ गया -1 और यहाँ पे आ गया -1, ये क्या आ गया, 0। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो हो गया वो 0 हो गया, और डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, उसमें इन्फिनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपको रैंक निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये सोल्यूशन क्या देगा आपको, इन्फिनाइट सोल्यूशन, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। गेट 2011 में पूछा गया था, 2 मार्क्स क्वेश्चन था। बस आपको अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको ये आसानी से निकल जाएगा, नहीं तो बहुत से ऐसे बच्चे इसमें रैंक निकालने में लग जाएंगे, ठीक है। कह रहे हैं फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, वन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर इज गिवन एज, मतलब कि ए बी सी डी में से कौन सा ऐसा वेक्टर है जो इस मैट्रिक्स का नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर है। तो ध्यान से समझो कि अगर आप आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं तो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। मैं आपकी आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम इसका आइगन वेक्टर निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर क्या है। एक नया कॉन्सेप्ट है लेकिन एक छोटा सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। मैट्रिक्स क्या था, 5 3 1 3, इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी होगी तो -λ - λ, 5 - λ 3 - λ इज इक्वल टू माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो।
तो 15 माइनस 5 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। लेमडा कॉमन ले लेंगे तो लेमडा माइनस 6 आएगा, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो लेमडा माइनस 6 आएगा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू 2 और 6 आ गई, दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। तो इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर है? तो 2 और 6 आपका आइगन वैल्यूज आई, 2, 6 आपकी क्या आई, आइगन वैल्यूज आई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5 माइनस 2 करना है। 5 माइनस 2 क्या होगा, 3 होगा, 3, 1 और 1 आएगा। ये आपका क्या आएगा, a माइनस लेमडा आई और इसके बाद x1 और x2। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या निकलेगा, 3x1 + 3x2 इज इक्वल टू 0 और x1 + x2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x1 इज इक्वल टू k ले लेता हूँ तो x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस k आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास वेक्टर क्या आया, अगर मैं k को बाहर ले लेता हूँ तो 1 और माइनस 1 आपका वेक्टर आया। क्लियर है, आइगन वेक्टर आया। अब इसका क्या करना है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म लेना है। तो नॉर्मलाइज्ड, अब देखो आइगन वेक्टर आपके पास आ गया है, ये क्या है, आइगन वैल्यू है, ये क्या है, 1 - 1 आइगन वेक्टर है। आइगन वेक्टर का सिंपल सा मतलब होता है, अगर इसको हम नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर रखते हैं तो भाई इसमें अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कर देना है दोनों का, एडिशन का। कैसे, कि अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं इस वेक्टर का, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर का मान लो ये वेक्टर दिया हुआ है, मान लो आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है v इज इक्वल टू 2i + 3j, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो आप, अंडर रूट ऑफ 2² + 3² यही करते हैं आप। अब यहाँ दो वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर दिया हुआ है i और j टर्म इसके दिए हुए हैं, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 1² + -1² इज इक्वल टू क्या आएगा, √2। अब कुछ नहीं करना है, इसी मैग्नीट्यूड से दोनों को डिवाइड कर देना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। क्लियर हुआ, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर अब आपके पास आ गया। अगर आपने लेमडा इज इक्वल टू जब 2 रखा था तो आपके पास जो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर आया वो आया 1/2 और -1/√2, 1/√2 और -1/√2, क्योंकि ये b से मैच कर रहा है तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा। अगर मान लो अभी भी ऑप्शन नहीं आया होता तो आप 6 से चेक करते, और 6 से चेक करते तो जाके ऐसे ही निकालना है नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। बात समझ में आई कि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ये हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1² + -1² का अंडर रूट होगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर बहुत बड़ा टर्म नहीं है। अगर आप आइगन वेक्टर तक पहुंच सकते हैं तो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर तक आप पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, गेट 2012 में 2 नंबर का पूछा गया था। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसको नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर नहीं पता है वो आइगन वेक्टर तक तो निकाल सकता था लेकिन नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर नहीं निकाल पाता तो दिक्कत आ जाती। ठीक है, क्लियर है। देखो 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 इक्वेशन आपके पास दी गई है, लीनियर इक्वेशंस हैं ये, और कह रहे हैं द सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक गिवन बिलो हैज, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कह रहे हैं एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जिसमें x = y = z = 1 आएगा। दूसरा क्या होगा, ओनली द 2 सॉल्यूशंस होंगे उसमें, एक्स ये आएगा xyz और दूसरा ये आएगा xyz। तीसरा कह रहे हैं इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, और चौथा है नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा, कि मतलब इसमें कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। ये गेट 2012 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, सिंपल सा काम करना है आपको, ज़्यादा परेशान नहीं होना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑप्शन के हिसाब से भड़क जाते हैं, उनके समझ नहीं आता कि वो क्या करें। कुछ नहीं करना होता भाई, आपको अपने कॉन्सेप्ट के साथ स्टिक रहना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले चेक करो कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। आपको पता चल गया कि ये नॉन होमोजीनियस है, तो नॉन होमोजीनियस का मतलब इक्वल टू में अगर वैल्यूज हैं तो नॉन होमोजीनियस, अगर बी नहीं दिया है तो होमोजीनियस। तो इस नॉन होमोजीनियस का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, 1, 2, 1, 2, 1, 2 और 1 माइनस 1, 1,
उसके बाद बी मैट्रिक्स भी है, बी मैट्रिक्स है साथ में, तो 4, 5 और 1 भी है। क्लियर है आपके पास मैट्रिक्स क्या आया, ए बी मैट्रिक्स आपने साथ में लिख लिया, ये नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, नॉन होमोजीनियस में सिंपल सा बताओ कि इसमें नो सॉल्यूशन भी होता है, यूनिक सॉल्यूशन भी होता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, सारे होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है, तो हम इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। ठीक है, मैट्रिक्स ए का अगर हम डिटरमिनेंट चेक करते हैं तो ये हो जाता है 1 - 2, प्लस 2 हो जाएगा ये, उसके बाद -2, 2 - 2 हो जाएगा, -1 क्या आएगा, -2 - 1। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3, ये 2 से 2 ये 0 हो जाएगा, ये टर्म तो 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, ये -3 और -3 मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस था, ये प्लस होगा +1 और यहाँ पे -2 और -1 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात समझ में आई कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जब 0 हो जाए तो वहाँ पे 2 सॉल्यूशन होंगे, एक या तो एक तो नो सॉल्यूशन होगा या तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा या तो नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, अब इसको निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, इसकी रैंक। अब चूंकि डिटरमिनेंट से क्लियर तो हो नहीं रहा है चीज़ें कि क्या होंगे यहाँ पे, तो सबसे अच्छा होगा कि इसकी रैंक निकाल ली जाए कि इसकी रैंक क्या होगी। तो इसकी रैंक क्या होगी भाई, 1 - 2 - 1 था, 2 - 1 - 2 था, और 1 - 1 - 1 था, दूसरा क्या था 4 - 5 - 1। ठीक है, ये ए बी मैट्रिक्स था, इसकी रैंक निकालना है, क्या करना है आपको, पहला एलिमेंट 1, बाकी सब 0, पहला एलिमेंट वैसे भी 1 है तो 0 बनाओ, बाकी 0 क्या बनेगा, R2 में क्या करना है, R2 - R1 कर देना है, 2R1 कर देना है। ठीक है, R3 में क्या करना है, R3 - R1 कर देना है, आपके पास क्या मैट्रिक्स निकल के आएगा, मैट्रिक्स निकल के आएगा 1 - 0 - 0, और पहली बात तो R1 में कोई चेंज नहीं है तो इसको एज इट इज़ ऐसे उतार लो, और R2 में क्या करना है, R2 - 2R1 करना है, मतलब 1 - 4 कर देना है तो क्या हो जाएगा -3, 2 - 2 कर देना है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 5 - 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3 आ जाएगा। क्लियर है, दूसरी चीज़ क्या है कि R3 - R1 कर देना है, तो R3 - R1 क्या है, ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, -1 - 2 हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 - 4 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा R3 - R1 - 1, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 - 4 क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा। क्लियर है, -3 आ गया ये, तो अब आपके पास क्या आया, ये मैट्रिक्स निकल के आ गया। ये मैट्रिक्स में आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो दोनों रोज हैं, ये दोनों रोज क्या हैं, इक्वल हैं, ये दोनों रोज इक्वल हैं, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, R2 - R3 कर सकते हैं, R3 - R2, क्योंकि सबसे, मैंने क्या बताया था, रैंक निकालने के लिए जो 0 रोज होंगे उसको सबसे नीचे वाले टर्म में लेके जाना है, तो R3 में एक चेंजेस किया जा सकता है, R3 - R2 कर दिया जाए तो नीचे वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ ऊपर के साइड में, क्या हो जाएगा 1 - 2 - 1, ये 4 हो जाएगा, ये 0 - 3 - 0 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा, ये 0 - 0 - 0 - 0 आ जाएगा। क्लियर है, अब इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 नॉन जीरो रोज हैं और 1 जीरो रो आ गई आपकी, तो इसका मतलब जो नॉन जीरो रो है वही रैंक ऑफ ए होगी और वही रैंक ऑफ ए बी भी है, ए बी और ए की रैंक बराबर है। लेकिन क्या है, ये जो मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स क्या था,
थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स क्या था, थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स था। तो यहां पे ये जो लेस देन एन है, क्योंकि एन क्या था यहां पे, थ्री था, और यहां पे रैंक ऑफ ए कितनी आ रही है, टू इज इक्वल टू टू आ रही है, और ये लेस देन थ्री है, ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है नॉन होमोजीनियस में इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को। नॉन होमोजीनियस में, नॉन होमोजीनियस भाई आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो था, तो यहां पे दो कंडीशन आई, एक तो या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। और जब आपका नॉन होमोजीनियस में एक तो इनकंसिस्टेंट होता है, वहां पर नो सॉल्यूशन आता है, लेकिन इनकंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट में रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी होता है, तो वहां पे बात खत्म हो गई। अब कंसिस्टेंट में आते हैं, कंसिस्टेंट में दो केस होती थी, एक यूनिक सॉल्यूशन होता था, एक इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता था, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता था, यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, तो इसका मतलब ये इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। और इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की केसेस भी ऐसे होती थी कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी तो होता था, लेकिन ये लेस देन एन होता था, और एन यहां पे क्या है, थ्री है, और यहां पे रैंक जो निकल के आई वो टू और टू है। तो इसका मतलब अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी सही है, और वैसे भी आपके समझ में आता है कि भाई हमने जो पढ़ा हुआ है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है, एक इनफिनाइट पढ़ा हुआ है, एक नो सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है, तो बी तो पहले ही गलत हो गया होता, ठीक है। तो आपके पास इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा और ऑप्शन थ्री सही होगा। तो बात समझ में आई कि अगर थोड़ा सा ऑप्शंस में गड़बड़ी कर दें, थोड़ा सा चेंजेस कर दें, तो उसको समझने की कैपेबिलिटी आपको तभी आ सकती है जब आपका बेसिक मजबूत हो, क्लियर है। देखो 20 क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं चूज द करेक्ट सेट ऑफ फंक्शंस व्हिच आर लीनियरली डिपेंडेंट। देखो लीनियरली इसमें से जो सेट हैं ए बी सी डी में से, कौन सा सेट ऐसा है जो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले लीनियरली डिपेंडेंट की एग्जाम वो क्या नाम डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। 2013 में वन मार्क्स क्वेश्चन है, सिंपल डेफिनेशन पे है, लीनियरली डिपेंडेंट का डेफिनेशन क्या है, लीनियरली मैंने आपको पहले कल वाले वीडियो में बताया हुआ है कि लीनियरली डिपेंडेंट का क्या डेफिनेशन है। लीनियरली अगर कोई डिपेंडेंट है, मान लो आपके पास वेक्टर v1 v2 v3 और v4 वेक्टर था, ध्यान से समझना, ये लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, जब c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 प्लस c4 v4 इज इक्वल टू जीरो हो। क्या हो कि भाई इन वेक्टर्स के साथ कोई स्केलर क्वांटिटी, जहां पे वेर c1 c2 c3 एंड c4 आर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब अब c1 c4 c3 और c4 c1 c2 c3 और c4 जो हैं स्केलर हैं, और ये नॉट ऑल जीरो मतलब इनमें से सब जीरो नहीं होने चाहिए। मान लो एक आधा जीरो हो गया तो हो गया, लेकिन सारे जीरो नहीं होने चाहिए। ये लीनियरली डिपेंडेंट की केस है, मतलब कि अगर सारे वेक्टर्स हैं या फंक्शंस हैं, किसी भी टर्म्स में बात किया जा सकता है, चाहे वो वेक्टर के टर्म्स में या फिर फंक्शन के टर्म्स में। यहाँ पे इन्होंने फंक्शंस दिया हुआ है, वेक्टर नहीं दिया हुआ है, लेकिन डेफिनेशन क्या है लीनियरली डिपेंडेंट की, कि ये जो वेक्टर्स हैं सारे, इन वेक्टर्स के साथ कोई एक स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कोई रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इसका जो एडिशन होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है कि वहां पे C1 C2 C3 C4 आर ऑल रियल नंबर, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी आप C1 C2 C3 C4 को सबको जीरो कर दो तो वैसे ही ये जीरो हो जाएगा। जब जीरो कर दोगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो जाएगा, ध्यान से समझना। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या डेफिनेशन है, देखो लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है, कुछ नहीं है, इसी एग्जाम्पल से, इसी डेफिनेशन से क्लियर होता है, जहां पे c1 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू c3 इज इक्वल टू c4 इज इक्वल टू जीरो हो। अगर सारे c1 c2 c3 c4 सारे आप जीरो रख के इस फंक्शन को, एडिशन को जीरो कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर c1 c2 c3 c4 में से कोई जीरो नहीं है,
सारे जीरो नहीं है, मतलब चाहे सारे जीरो ना हो, चाहे कुछ जीरो हो, लेकिन सारे जीरो नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ जीरो होगा तो चलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो सेट हो जाएगा, ये जो वेक्टर्स का सेट हो जाएगा, ये वेक्टर्स का सेट क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर का सेट होगा। यही सेम कंडीशन जो है आपकी अप्लाई होती है फंक्शंस पे भी। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आते हैं, मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए मैंने क्या बताया था कि भाई सारे सेट में से सब में क्या करो, स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो किसी रियल नंबर्स के साथ, ठीक है। तो मैं आपको एक एक सेट आप चेक करना, ए बी सी डी करके सारे सेट चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि अगर मैं ऑप्शन सी को उठाता हूँ, ऑप्शन सी को उठाता हूं तो हमें क्या करना है, कॉस 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर देना। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, जब मैंने v1 v2 v3 वेक्टर दिया था तो वहां पे क्या किया था, सबका एडिशन कर दिया था। उसके बाद उसके साथ मैंने क्या कहा था कि c1 C2, C3 के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ इसको ऐड करना है और इसको क्या बनाना है, जीरो। बस ध्यान क्या रहे, C1, C2, C3 क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना, सारा जीरो नहीं होना चाहिए, ये रियल नंबर्स हैं। तो मुझे बताओ अगर मैं C2 की वैल्यू जो है 1 रख देता हूँ और C3 की वैल्यू मान लो मैंने 1 रख दिया, ठीक है, ध्यान से समझना। cos 2x को क्या लिखा जा सकता है, cos 2x को क्या लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। मैंने क्या किया, C1 की वैल्यू पहले क्या कर दी, 1 रख दी थी, ध्यान से समझना। मैंने C1 C2 की वैल्यू अभी किसी की जीरो नहीं रखी है, नॉन जीरो वैल्यूज हैं, और ये डिपेंडेंट की डिफिनेशन है, लीनियरली डिपेंडेंट की डिफिनेशन। तो C1 की वैल्यू मैंने 1 रख दी तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स, 1 हमने पहले रख दिया है। अब क्या किया है मैंने, प्लस साइन स्क्वायर एक्स कर दिया है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स कर दिया है, क्या कर दिया है इसका, C2 की जगह क्या कर दिया है, प्लस 1, ये भी एक रियल नंबर है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे भी प्लस 1 कर दिया है, अब यहाँ पे लेकिन C3 जो है यहाँ पे हम कर रहे हैं माइनस 1, क्यों कर रहे हैं मैं अभी बता रहा हूँ। C3 जो हमने ले लिया है ये माइनस 1 ले लिया, माइनस 1 भी एक रियल नंबर है, लेकिन हमने जीरो तो नहीं लिया ना, हमने डेफिनेशन को फॉलो किया है। अब क्या कर रहे हैं हम, अगर यहाँ पे माइनस 1 कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या करना है, जीरो। क्यों हम प्लस माइनस 1 कैसे कर रहे हैं, C1 की वैल्यूज अपने हिसाब से क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, उसने बताया C1, C2, C3, C4 जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं, जो स्केलर क्वांटिटी है उसकी वैल्यू आप जो मर्जी ले लेना, बस सारे जीरो मत लेना, और आपको क्या करना है इस फंक्शन को जीरो बनाना है। मैंने इसको माइनस 1 इसलिए लिया क्योंकि इस फंक्शन को अब मुझे जीरो बनाना था। जब C1, C2, C3 ध्यान रखना कि यही पहले ही ले लेना है, बाद में नहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये जो फंक्शंस दिए हुए हैं इन्हीं फंक्शंस में मल्टीप्लाई करना है, बाद में आके नहीं करना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से 1 और यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स है और ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे हमने माइनस 1 कर दिया था तो इसलिए माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। अब क्या है कि इसकी वैल्यू आ गई जीरो, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सी आपका सही होगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। अब आप अदर ऑप्शंस को भी चेक कर लेना, अदर ऑप्शंस क्या होंगे, ये इस कंडीशन को फॉलो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपका दिमाग जो है इतना तेज काम नहीं करता, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है, लेकिन जब आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझ जाएंगे ना तो एक्सपीरियंस के साथ आपको ऑप्शंस देख के ही पता चल जाएगा कि भाई किस ऑप्शन में मैं जीरो बना सकता हूं विदाउट जीरो का एप्लीकेशन किए हुए, कि मतलब कि C1, C2, C3 जीरो नहीं होना चाहिए, ये लीनियरली डिपेंडेंट पूछता तो आप चाहे सारे फंक्शंस को जीरो कर देते, क्योंकि C1, C2, C3 को जीरो कर दो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आएंगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है, लगे रहो कंटिन्यूअसली। मैंने कहा था कि कंटिन्यू एक हर पर डे पर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो अब आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आई होप सो। 7-8 घंटे से नीचे अगर आप पढ़ रहे हैं तो भाई टाइमिंग को बढ़ाइए, अगर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छे रिजल्ट की। नहीं तो फिर क्वालिफाइड होना है तो क्वालिफाइड तो आपको मैं आराम से करा दूंगा, लेकिन एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है? थैंक यू।